सत श्री अकाल जी, मैं हाँ मनप्रीत सिंह काठपाल ते तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी। अजीत बुलेटिन की शुरुआत करन तो पहला नज़र मार लेंदे हां अज दियां खास खबरां ते। बिजली संकट ते केंद्रीय मंत्री दा बयान, बोले नहीं है कोले दी कमी। मुख्यमंत्री चन्नी ने पाई नवी पिरत, सादे ढंग नाल कीता पुत दा विआह। श्री हेमकुट साहिब दे किवाड़, जयकारियां दी गूंज विच अगले साल तक बंद। पंजाब भर में बिजली का संकट, ब्लैकआउट का मंडराया खतरा। डॉक्टरों की वड्डी लापरवाही, औरत ने सड़क पर दिता बच्चे नूं जन्म। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। एक पासे पावर प्लांटां विच कोले दी घाट दीआं खबरां हन। पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कुछ सूबिआं विच कई घंटिआं लई बिजली दे कट भी लग रहे हन। यही नहीं, राज सरकारां भी संकट नूं महसूस कर रहीआं हन, जिस नूं लै के उन्हां वल्लों केंद्र सरकार नूं कोले दी खपत लई अपील की जा रही है। इस सब दे विचकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री दे बयान ने बवाल खड़ा कर दिता है। उन्हां दा कहना है कि सब कुछ ठीक है, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने सारे खर्चिआं नूं बेबुनियाद करार दिता है। मिस्टर सिंह ने ऐतवार नूं कहा कि संकट ना तो सी अते ना ही होवेगा। उन्होंने कहा कि साडे कोल अज चार दिनों तो वध समय लई कोले दा स्टॉक है, सानू हर रोज़ स्टॉक मिलता है। कोले दा स्टॉक उन्ना ही आया जिन्ना कल खपत किया गया सी। उन्हां कहा कि सानू अपनी कोले दी उत्पादन समर्था वधाउणी चाहीदी है, असी इस लई कार्रवाई कर रहे हाँ। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो NTPC के स्टेशन से हो, DVC के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा एक या दो दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी MD आए हुए थे, CMD आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो ये प्रक्रिया है, गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पुत दा विआह सादे ढंग नाल करके नवी पिरत पाई है। मोहाली दे फेज़ 3B1 स्थित गुरद्वारा साचा धन साहिब विखे विआह दीआं रस्मां पूरीआं कीतीआं गईआं। मुख्यमंत्री चन्नी खुद विआह वाली गड्डी चला के लियाए। इस मौके पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित समेत आगू कुमारी शैलजा, समुचा मंत्रीमंडल, साबका मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मोहाली दे साबका मेयर कुलवंत सिंह अते वड्डी गिनती विच कांग्रेसी विधायक अते होर सीनियर आगू हाजर सन। पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इस दौरान हाजिर नहीं होए। बरात अते दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के स्वागत तो बाद गुरु का अतुट लंगर वरत्या गया, जिसनों मुख्यमंत्री ने परिवार समेत जमीन पर बैठ के ग्रहण किया। इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पुत्र का विआह सादे ढंग नाल करके नवी पिरत पाई है। बहुत इन्ना सादगी दे नाल प्रोग्राम, पहला चीफ मिनिस्टर है, तुसीं देखिआ किवें सादगी दे नाल एक परंपरा पाई है CM ने कि इदां सादगी दे नाल विआह हो सकदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ CM ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। इस मौके यात्रा की सफलता की अरदास की गई अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का शुकराना किया गया। इस मौके 418 जोशी मठ फौज की टुकड़ी की देखरेख हेठ पंज प्यारियां की अगवाई हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन किए गए।
इस मौके लगभग 1800 तो वध श्रद्धालु हाजिर सन। श्री हेमकुट साहिब के दर्शनों लिए किवाड़ 18 सितंबर को खोले गए सन। उदों तो लैके हुण तक देश के कोने कोने तो लगभग 11,000 तो वध संगतां ने श्री हेमकुट साहिब के दर्शन किए हैं। गुरद्वारा श्री हेमकुट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उप चेयरमैन नरिंदर सिंह बिंद्रा ने दसिया, उत्तराखंड की सरकार की आग्ञा अनुसार हेमकुट साहिब की यात्रा 18 सितंबर को शुरू की गई सी। उन्होंने दसिया कि ट्रस्ट की इच्छा सी कि संगतां दीआं भावनावां ते शरदा नूं देखदे होए इस यात्रा का समा वधाया जाए, पर मौसम नूं देखण तों बाद श्री हेमकुट साहिब की यात्रा नूं 10 अक्टूबर तक बंद करन दा फैसला लैना पिया। घाट कारण पंजाब भर के बिजली का संकट लगातार जारी है। हुण व्यापारियों मुताबिक ब्लैकआउट का खतरा भी मंडराउण लग पिया है, जिसनों लैके लुधियाणा के व्यापारियों के काफ़ी रोस देखने मिल रहा है। उन्हों का कहना है कि कई थर्मल प्लांट पहला ही बंद हैं तो कई हुण बिजली संकट ने होर चिंता वधा दी है। उन्होंने कहा कि लुधियाणा 2 लाख के करीब इंडस्ट्री होजरी साइकिल पार्ट्स आदि उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए है कि बिजली का इंतजाम जल्द तो जल्द करे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी। आज पंजाब में ब्लैकआउट के हालात खड़े हो गए हैं। सरकार के 4 थर्मल प्लांट 2 बंद हो गए हैं, 2 की प्रोडक्शन अद्धी हो गई है। सरकार ने जो बिजली के बाहरों आती है उन्होंने बंद करने के भी सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। जे बाहरों बिजली बंद अंदर होएगी नहीं तो पंजाब च ब्लैकआउट हो जाएगा। पंजाब च लुधियाणा 2 लाख होजरी इंडस्ट्री ट्रेड साइकिल पार्ट के सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारा पंजाब नेरे डुब जाएगा। असी मुफ्त बिजली लैन वाले नहीं, सरकार नूं पूरे पैसे, जबकि सरकार जो भा खरीदी उस तो 9-10 रुपए के पैसे दे रहे हैं, फिर भी सरकार बिजली ना दे सके, फिर सरकार केंद्र नूं कहे कोला नहीं है। आज सरकार 53 लाख लोगों के बिजली का बिल माफ कर सकती है, कनैक्शन बहाल कर सकती है, तो सरकार पंजाब दे विच कोले दा इंतजाम नहीं कर सकती। इन्हां नूं अपने मुख्यमंत्री दी दौड़ां दे विच पए होए ने और पंजाब दे इंडस्ट्री दा ट्रेड दा कोई ख्याल नहीं है। और सरकार नूं चाहीदा कि इहदा इंतजाम करे। अज ठीक है, चाइना दी भी बिजली करके बंद हो गई आ, केजरीवाल भी कह रहा बिजली, ये सरकारां दी अपनी नाहली है कि बिजली ना इंतजाम करना इन्हों का कम है। जे पंजाब नेरे डुब गया, लोगों को सड़कों पर आएंगे, लोग सड़कों पर पहुँचेंगे, लेबर वेली हो जाऊगी, बेरोजगारी फैलूगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाऊगी, जिन्हों सरकार सामभ नहीं सकेगी। इनू एमरजेंसी तौर पर ले लो, बिजली का इंतजाम कर लो, नहीं तो पंजाब अगे ही असं अतवाद तो मारे गए, फिर उस तो बाद सानू करोना ने मारता, फिर बिजली ने मारता, साडा जीना इंडस्ट्री का ट्रेड का मुश्किल हो जाएगा और सरकार उसकी पूरी पूरी जिम्मेवार होएगी। खन्ना के सरकारी हस्पताल की लापरवाही की खबर सामने आई है, जिथे एक गर्भवती औरत ने हस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे नू जन्म दिता। जानकारी मुताबिक मिलट्री ग्राउंड खन्ना विखे चुग्गियां विच रहण वाले एक व्यक्ति ने दसिया उसकी पत्नी नू जनेपे के कारण दर्द हुई तो वह अपनी पत्नी नू सरकारी हस्पताल लै गया। इस तो बाद स्टाफ ने उन्होंने इंजैक्शन लैके आने लिए कहा। पीड़ित व्यक्ति ने दसिया कि सरकारी हस्पताल च डाक्टर ने उसकी पत्नी का इलाज करन तो इनकार कर दिता। जदों वह अपनी पत्नी लैके बाहर निकलिया तो उसकी घरवाली ने सड़क पर ही बच्चे नू जन्म दिता। दूजे पासे औरत अते उसके परिवार ने सिविल हस्पताल प्रशासन से लापरवाही का दोष लगाया है, जिस कारण सरकार के मुफ्त इलाज के दावे की पोल खुलती हुई नजर आई है। मीरा मीरा मीरा
कहाँ रहते हो? खन्ना राउंड में, राउंड में। अच्छा, ये बच्चा जो अभी रोड पे हुआ है, पहले आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ गए थे हॉस्पिटल। हाँ। क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? रसीद मांगा, टीका वाला। टीका लगाया? दाखिल नहीं, दाखिल नहीं किया। रिपोर्ट, रिपोर्ट मांगा। किस चीज की रिपोर्ट मांग रहे थे? बच्चा वाला। हाँ? बच्चे वाला। अच्छा, फिर भगा दिया। भगा दिया। अच्छा, कब गए थे आप? आधा घंटा। पहले कभी आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में? नहीं, पहले नहीं आए थे। कौन था यहाँ पे, किसने भगाया? रिपोर्ट दे दो तब भर्ती करेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैनू जर्नलिस्ट के सवेरे फोन आए हैं मॉर्निंग च। मैं तैयार होकर इमीडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल। सो आई एम इंक्वायरिंग इन टू द मैटर। आई एम जेट टू गैट द फुल फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स का पता लगेगा एंड रेगूलर इंक्वायरी वुड बी कंडक्टेड। तो जोड़ा वह सिट्टा निकलूगा तो वो अकॉर्डिंगली जो किसी से कोई दोषी पाया गया तो वो विरुद्ध एक्शन रिकमेंड किया जाऊगा हायर अथॉरिटी से। सर, कई बार अगे भी कई बार यह केस सामने आया हॉस्पिटल मिली जाती है नहीं। ड्यूरिंग माई टेनर तो आई डोंट थिंक दिस इज द फस्ट इंसीडेंस जोड़ा इस तरह के रोड पर होया है। तो बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंड्यूस डिसिपलिन इन द डॉक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ। मुकेरियां विच देर रात जम्मू जलंधर नैशनल हाईवे उत्ते करनल की कोठी के कोल एक खाली प्लाट विच एक नौजवान का तेज धार हथियारों के नाल कतल कर दिता गया। मृतक की पहचान अमनदीप सिंह डडवाल वजो हुई है जो कि पंजाब खेतीबाड़ी विभाग में अधिकारी सी। मुकेरियां पुलिस ने मृतक देह नूं कब्जे में लैके जांच शुरू कर दिती है। पुलिस शक के आधार पर एक नौजवान आशुतोष शर्मा की भाल कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू की गई है। जनाब, इनू सत सवा सत कॉल आई है, किसी ने पार्टी से बुलाया, इनू किन्ने बुलाया हुण ये नहीं पता, ये सानू पता नहीं है। लेकिन यह मुंडा उत्थों दुकान तो निकलिया गया, उस तो बाद मुड़ वापस नहीं आया। लेकिन असं ये चाहते हैं कि जिन्हें भी कॉल की है कि बंदा वो सानू बंदा चाहिए पहला कि वह बंदा जिहड़ा साडे हाजिर होवे ताकि वह दसे कि इहदे पिछे गेंग किन्नी है, किहदा हथ वा, किदा किदा होया, किन्ने बंदे सी, क्योंकि कला बंदा तो वह कम नहीं कर। रंजश ये कोई नहीं, सिर्फ दोस्ती करके उन्होंने दोस्त करके बुलाया कि पार्टी हैगी है, किसी प्रमोशन हुई है तो अभी तेन पार्टी देनी तू आ जा, इदा करके उन्होंने बुलाया है। लेकिन वो बंदा कौन है? वो बंदा असं यही मांग कर रहे हैं कि वह बंदा पेश होना चाहिए पहला, उस तो बाद अगली कार्रवाई फिर होगी। सानू ना लेट नाइट एक इनफॉर्मेशन आई सी कि एक करनल दी कोठी लागे खाली प्लाट दे विच कोई झगड़ा होया तो उत्थे एक डेड बॉडी पई है। जो असीं आके चैक किया, चैक करन दे उत्ते जिहड़ी आ बॉडी पहलां दा नाम नूम सी, फिर उहदी रात शनाख्त कराई तो यह जिहड़ा आ अमनदीप डडवाल सन ऑफ सुखदर्शन सिंह बासी शास्त्री कलोनी मकेरियां निकलिया, तो जिहड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे विच लगा होया सीगा। तो ये हुण इत्थे किदां आया की आ इहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इहदा रात तेज धार हथियारां नाल जिहड़ा हैगा आ उह सट्टा मार के कतल किया होया। फिलहाल इहदे बारे हजे कुछ नहीं कहा जा सकता। एक जिहड़ा डॉक्टर आ कि बंदे ने जिन्हें बुलाया उहदा नाम थोड़ा जाहिर हो रहा है कि आशुतोष नाम का लड़का हैगा जिहड़ा करनल दी कोठी लागे रहिंदा, उहने बुलाया सी ते उहदे नाल झगड़ा वगैरह होया। बाकी ये होर किन्ने बंदे इनवॉल्व है या कि कहड़ी गलबात वो इन्वेस्टिगेशन चल रही। किस तरह तहत मामला दर्ज किया? मामला तो 302 तहत ही दर्ज किया जा रहा है जी। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदे के सबका मैनेजर रणजीत सिंह कतल केस में दोषी करार दिते जाने तो बाद डेरा सिरसा मुखी निराशा के आलम विच है। जानकारी मुताबिक वह 2-3 दिनों तो ठीक तरह नाल खाना नहीं खा रहा। दस दईए कि डेरा सिरसा मुखी जिनसी शोषण के मामले में सुनारिया जेल में 20 साल की सज़ा काट रहा है।
दसिया जा रहा है कि रणजीत सिंह कतल केस में सज़ा ते फैसला आने तो पहला ही उसने अपनी माँ ते मूह बेली बेटी हनीप्रीत नूं मिलन की इच्छा जाहिर की है पर जेल प्रशासन ने इनकार कर दिता। सज़ा ते सज़ा आने तो पहला ही फैसले के मद्देनज़र जिले च सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए जा रहे हैं और वख-वख थावां ते नाकाबंदी की गई है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वालों अनाज मंडी बरनाला विखे विशाल किसान चेतावनी रैली की गई जिस विच पंजाब हरियाणा दिल्ली और महाराष्ट्र के किसान आगुओं ने वड्डी गिनती विच शमूलियत की। इस मौके भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा किसान चेतावनी रैली करके पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों चोणां वेले किए वादे किसानों का पूरा कर्जा माफ करना फसलों के मुल पूरे देना घर घर रुजगार देना पर चोणां जितण तों बाद सरकार वल्लों अपने चार वरियां दे कार्यकाल दौरान सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई सगों किसानी उपर शिकंजा कसदियां किसान दी फसल दे खरीद लई जमाबंदियां दी मंग कर रही है। इस मौके दिल्ली किसान दे आगू युद्धवीर सिंह ने कहा कि बरनाला दी धरती ते किसानी अंदोलन दी सब तों वड्डी महापंचायत है भावें कैप्टन साहब छड के चले गए हन पर सरकार तां कांग्रेस दी ही है। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਏਕੜ ਮਗਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। एक तो यह गल बहुत बड़ी है साढ़े ते बाकी साढ़े किसानों की जिहड़ी फसल मरी है नरमा मर गया वो ते हजे तक कोई मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। अगली गल अगली जिहड़ी गल है उहदे च वह बहुत बड़ी ये है कि देखो 26 तरीक तो मगरों जिन्हें भी किसान दिल्ली शहीद होए ने उन्हां सारे किसानों इन्होंने की किया है उन्हां किसानों तो चलो बड़ी चंगी गल है बनती सी वह भावें थोड़ी दिती है 5-5 लख की मदद आ गई लेकिन साड़ी मंग यह है कि जिवें वह बेचारे किसान इत्थे भी शहीद होए ने कृपा करके इन्होंने भी उस लाइन के लिया जाए क्योंकि 26 तो पहला बड़ी गिनती किसान इत्थे पंजाब शहीद होए ने उन्होंने बनता मतलब मुआवजा उन्होंने बच्चों नौकरी दी जाए। करोना काल दौरान सरकार वालों भर्ती करोना स्टाफ नूं हुण करोना मरीजों च आई कमी तो बाद सेवावां खत्म करन दे आदेश दिते गए हैं जिस तों बाद भड़के हुए करोना स्टाफ वालों धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। पिछले 20 दिनों तो लगातार मेडिकल हस्पताल के गेट ते यह मुलाजम धरना दे रहे हैं और पिछले 7 दिन तो रोजाना 5 मैंबर लड़ीवार भुख हड़ताल से बैठते हैं। भुख हड़ताल से बैठे इस करोना स्टाफ के एक मैंबर नर्स की अचानक सेहत बिगड़ गई जिस कारण अज वह बेहोश हो गई तो उसनू तुरंत मेडिकल हस्पताल के एमरजेंसी विभाग में दाखिल करवाया गया। फिलहाल लड़की की हालत स्थिर दसी जा रही है। इस मौके करोना स्टाफ मैंबर मनदीप कौर ने दसिया कि जब करोना बीमारी पूरे शिखर से सी उस वेले उसी जान की परवाह किए बिना करोना दिया दोनों लहरों दौरान अपनिया सेवावां निभाया पर हुण सरकार ने उन्हां नूं एक वड्डा झटका दिता है ते ड्यूटी तो एकदम रिलीव करन दा आदेश दे दिता है। उन्हां कहा कि असी अपने हकां दे लई संघर्ष करदे रहांगे। साड़ी ना 7 दिन तो भुख हड़ताल चल रही है साड़े विच एक सिस्टर 2 दिन डेली भुख हड़ताल ते बैठ रही सी पर अज जो अचानक मतलब इदा कि सवेर तो असं बुला रहे हैं कोई रिस्पोंड नहीं कर रही बोल रही है मतलब कोई इदा का रिप्लाई नहीं कर रही असं उन्होंने कहा चल बैठ जा पै जा फिर उन्होंने असं इदा कहा कि चल तू पै जा वो साडे पिछे बैठी हुई सी ते सडन ही दरी ते लम्मे पै गई जिदा असं उन्होंने बुला रहे हैं कोई रिस्पोंड नहीं कर रही बॉडी उहदी है मतलब कॉन्शियस थोड़ी है बट उहदे पिंच करदे उन्होंने पता नहीं चल रहा कि मेरे कित्थे पिंच हो रहा जिदा हुण उहदे कैथ लगाए अंदर सिस्टर्स ने तो उन्होंने तां भी पता नहीं लगा भी मेरे कैद कितने लग रहा तो यह चीज़ नहीं हो सकती कि साडा साडी गल साडे हॉस्पिटल वाले ना सुन इत्थे वाले जिहड़ा प्रशासन ना सुने जे साडे विच किसी सिस्टर नूं किसी स्टाफ नूं कुछ हुंदा है तो असी हॉस्पिटल वाले ना सरकार नूं किसी नूं नहीं छड्डांगे क्योंकि असी इत्थे काम कीता 1.5 साल इसलिए नहीं किया कि असी सिर्फ इत्थे हुण मौत दे मूँह च दोबारा असी मरन लई बैठे हैं जे भुख हड़ताल ते बैठे हाँ तो सरकार नूं दसन लई बैठे सी कि साडा कुछ सुनो साडा कोई हल करो। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाउण दे चक्कर विच अजिहियां गलतियां कर बैठते हैं जिस तों बाद उन्हां नूं पछतौना पैंदा है अते कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पैंदा है। अजिहा ही ताज़ा मामला लुधियाणा तो सामने आया है जिथे 3 नौजवान सिनेमा विच चल रही नवीं आई फिल्म की कापी कर रहे सन
जिस दे चलदे उन्हां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना संबंधी जानकारी दिंदे हुए चौंकी इंचार्ज जसविंदर सिंह ने दस्या कि तीन नौजवानों नूं पुलिस वल्लों गिरफ़्तार किया गया है जो कि सिद्धू मूसेवाला की नवी आई फिल्म मूसा जट की कॉपी कर रहे सन। उन्होंने कहा कि वह पहला भी कई फिल्मों की कापी कर चुके हैं तो यह फिल्मों की कॉपी वेचण विच मुनाफा काफ़ी कमाते हैं। सानू कल इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि SRS सिनेमा जिहड़ा अज कलों का नाम B2B सिनेमा वा मैक्स प्लाजा भाईवाला चौंक को उत्थे तीन नौजवान लड़के तकरीबन जिन्हां दी 20 साल दे नेड़े तेड़े उम्र है उत्थे एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे फड़े गए सीगे मोबाइल ते जिन्हां दी पहलां वी शिकायतां आ रहीयां सीगियां ते असीं इदा इदा ट्रैप लगाए नाल उहनां दे अपना जिहड़े B2B सिनेमा दे मैनेजर ने ते उत्थों दी टीम उहनां नाल मिल के ट्रैप लगाया गया सी जिहदे च कि इह तीन लड़के फड़े गए ने जिन्हां दा इक दा नाम मनप्रीत आ इक दा नाम रवि आ ते दूसरे दा नाम हैगा वा रणवीर तिन्नों लुधियाणे दे रहिण वाले आ तो पिछले काफ़ी समय तो ये कर रहे थे पुछगिछ दौरान भी यही आया कि इन्होंने घट्टो घट का 10 फिल्म इदा कीतियां सीगियां रिकॉर्डिंग करके जल्दी जी रिकॉर्डिंग अगे ओरिजिनल दस के बेचना पब्लिक नूं बेवकूफ बना के धोखे नाल बेचना वक्ख वक्ख साइटां ते अपलोड कर देंदे सीगे ते इस तरीके नाल ये आपका मुनाफा कमा रहे सीगे। अज दे बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।